परमाणु हथियार किसी भी देश का सबसे मजबूत हथियार होता है। इस समय दुनिया भर में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिसमें भारत का भी नाम आता है। दोस्तों, पिछले साल यानी 2022 में भारत के पास 160 न्यूक्लियर वेपन्स थे, किंतु कुछ कुत्ते दुश्मनों की वजह से भारत को अपने परमाणु हथियार के जखीरे को और बढ़ाना पड़ रहा है। भारत के पास पहले से ही लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं, जो पाकिस्तान और चीन में तबाही मचा सकती हैं। फिर भी भारत परमाणु मिसाइलों की रेंज क्यों बढ़ा रहा है? क्यों भारत परमाणु मिसाइलों की संख्या में भी इजाफा कर रहा है? तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि इसका मेन रीजन क्या है। भारत रूस यूक्रेन वॉर और इसराइल फिलिस्तीन वॉर से बहुत कुछ सीख चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में कहीं भी दो देशों के बीच युद्ध होता है, तो अमेरिका उस युद्ध में जरूर शामिल होगा। फिर चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर में देख लीजिए, और इसराइल फिलिस्तीन वॉर में तो आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका का जंगी जहाज भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में काफी समय से डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में भारत का पाकिस्तान या चाइना के साथ भविष्य में कभी भी युद्ध होता है, तो ये कन्फर्म है कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल जरूर होगा। दोस्तों, हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका इस तरह के युद्ध में किसका साथ देगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि अमेरिका भी ऐसे युद्ध में शामिल होने जरूर आएगा। और भारत अपनी परमाणु मिसाइलों की संख्या में वृद्धि इसलिए कर रहा है कि उस समय कब ये युद्ध भारत पाकिस्तान से भारत अमेरिका युद्ध बन जाए, कोई नहीं जानता। भारत के पास 2021 में 156 न्यूक्लियर वेपन्स थे, जिनकी संख्या 2022 में बढ़कर 160 हो गई है, और आज भारत के पास 164 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। वहीं पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। जैसा कि पाकिस्तान के पास हमसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, लेकिन अगर परमाणु हथियार चलाने की नौबत आई तो पाकिस्तान के मुकाबले भारत ज़्यादा बेहतर साबित होगा, क्योंकि भारत के पास पाकिस्तान से अच्छे लॉन्च पैड हैं। हमारा दूसरा पड़ोसी देश भी कम नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास भी 2021 में 400 परमाणु मिसाइलें थीं, किंतु 2023 में इसकी संख्या बढ़कर 500 हो गई है, और यह देश भी परमाणु हथियार बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। चाइना का यह दावा है कि 2030 तक 1000 परमाणु बम बना लेगा, और 2035 तक इनकी संख्या 1500 के करीब पहुंच जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूरे दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, किंतु भारत ही एक ऐसा देश है जिसके दोनों ओर परमाणु संपन्न देश बैठे हुए हैं, और जो भारत के मित्र नहीं दुश्मन हैं। लेकिन इसमें भारतीयों को घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लड़ाइयाँ परमाणु हथियार के बलबूते पर नहीं जीती जाती हैं, बल्कि जंग जीती जाती है अदम्य साहस और आर्मी के बलबूते पर। और हमारी भारतीय सेना इस मामले में पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भविष्य में अगर ऐसी लड़ाई होती है तो अमेरिका चीन या पाकिस्तान का साथ देगा या भारत का। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, बात करते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और हाँ, आप सभी लोग वीडियो तो खूब मजे से देख रहे हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो अच्छी अच्छी वीडियोस आप देख पाएंगे। दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।